आज हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के वर्ल्ड में होने जा रही है गॉडज़िला वर्सेस किंग कॉन्ग की फाइट। ये क्या, गॉडज़िला ने हमारे शहर में अटैक कर दिया? ये समंदर से अचानक आया और हमारे सिटी की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अब हमको इसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा, वरना ये हमारे सिटी को तबाह कर डालेगा। बट एक गुड न्यूज़ है, हमारे शहर में हमारे पास किंग कॉन्ग भी है, जो कि जुरासिक पार्क के जंगल में कैद पड़ा हुआ है। इसको हम लोग खुला नहीं छोड़ सकते। अगर इसने हमारी हेल्प कर दी तो हम लोग अपने शहर को बचा सकते हैं। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने शहर को बचाने के लिए। सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, आखिरकार देखता हूँ पुलिस कर क्या रही है अपने शहर को बचाने के लिए। ओके, तो मैं गाइस पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हूं। अभी देखते हैं पुलिस वाले आखिरकार कर क्या रहे हैं, जल्दी से चलते हैं। और मैं को पुलिस वालों से चाबी भी लेनी है जुरासिक पार्क की। हम लोगों ने किंग कॉन्ग को जब कैद किया था तो हम लोगों ने जुरासिक पार्क को ताला दे दिया था, तो उसकी की पुलिस वालों के पास है। तो चलो बात करते हैं। ओके, तो इंस्पेक्टर से मेरी बातचीत हो चुकी है। इंस्पेक्टर बोल रहा है कि मैंने भाई पूरी सिटी खाली करवा दी है और अभी सारे लोग इस शहर को छोड़ कर अभी जा रहे हैं दूसरे शहर में, और हम भी अभी निकल रहे हैं, मतलब ये लोग भी अभी निकल रहे हैं। और भाई अभी इन्होंने सारी सिटी खाली करवा दी है, देखो भाई प्लेन उड़ रहे हैं और भाई सबको भेजा जा रहा है। ऐसे इनकी भी सही बात है यार, गॉडज़िला को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इतने छोटे हैं गॉडज़िला के सामने। गॉडज़िला भाई इतना बड़ा है कि भाई सब उसका जो पैर का नाखून है ना, उससे भी हम लोग छोटे हैं, तो हम लोग कैसे हराएंगे भाई गॉडज़िला को। और वो धीरे धीरे करके हमारी सिटी की तरफ आ रहा है, तो इसलिए पुलिस हमको भी बोल रही है कि जल्दी से तुम भी निकलो एयरपोर्ट पे। भाई सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं, तो तुम भी वहां से निकलो। बट मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इस शहर को बचाऊंगा। अभी सबसे पहले मेरे को पुलिस वालों से ये बात करनी है कि मेरे को चाबी मिल सकती है किंग कॉन्ग को निकालने के लिए या फिर नहीं। तो ओके गाइस, इंस्पेक्टर ने मेरे को चाबी दे दी है जुरासिक पार्क की और परमिशन भी दे दी है निकालने की किंग कॉन्ग की। तो चलो अभी चलते जुरासिक पार्क और किंग कॉन्ग को निकालने। और इन्होंने मेरे को ऐसे ही परमिशन दे दी बिना कुछ बोले, एंड मेरे को पता है इन्होंने क्यों नहीं बोला मेरे को, क्योंकि कि भाई सीधी सी बात है गॉडज़िला ये शहर तबाह कर डालेगा और शहर में अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, तो इसलिए भाई मेरे को किंग कॉन्ग निकालने की इजिली परमिशन दे दी इन्होंने। तो जल्दी से चलते हैं जुरासिक पार्क और किंग कॉन्ग को निकालते हैं। वैसे इनको भाई मेरा प्लान नहीं मालूम, वैसे मैंने आपको भी अपना प्लान नहीं बताया अभी तक, तो मैं बताता हूँ आपको। वैसे मेरा प्लान यह है कि मैं जुरासिक पार्क के अंदर जाऊंगा एंड किंग कॉन्ग से मिलूंगा, मतलब किंग कॉन्ग मेरे को देखेगा तो सीधी सी बात है वो मेरे पीछे लगेगा, एंड मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा जुरासिक पार्क के वो भी निकल जाएगा, एंड वो निकलेगा तो उसको मिलेगा गॉडज़िला। एंड किंग कॉन्ग और गॉडज़िला मिल जाएंगे तो पता ही है तबाही होने वाले, दोनों फाइट करने लग जाएंगे। और अगर किंग कॉन्ग ने भाई गॉडज़िला को हरा दिया तो हमारे शहर बच सकता है, और किंग कॉन्ग को भाई जंगल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोगों ने उसको जंगल में बंद किया था। खैर ये सब छोड़ो, अभी हम लोग जंगल में पहुंच चुके हैं और गेट हम लोगों ने ऑटोमेटिक भाई बटन से खोल दिया था। ये सेंसर का गेट है और इसका लॉक सिर्फ बटन से खुलता है, तो मैंने खोल दिया। अब भाई ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ होगा, ये बहुत बड़ा जंगल है जुरासिक पार्क, अब देखना पड़ेगा वो कहाँ छुपा बैठा है। बस भाई मेरे को जैसे जैसे करके किंग कॉन्ग को बाहर निकालना है, और किंग कॉन्ग गॉडज़िला को देखते भाई फाइट करने लग जाएगा गॉडज़िला से, और इन दोनों की फाइट हो जाएगी। खैर ये सब छोड़ो, किंग कॉन्ग को ढूंढते हैं जल्दी से। ओ ये रहा किंग कॉन्ग, वहां पे बैठा है, बस ये मेरे को यहाँ पे देख ले तो जल्दी से ये मेरे पीछे आ जाए। कि किंग कॉन्ग ने फाइनली देख लिया मेरे को, भाई किंग कॉन्ग ने मेरे को देख लिया और वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जल्दी से मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो मेरे पीछे तो आता ही होगा, बहुत फास्ट आता है वो भी, अभी निकलना पड़ेगा बाहर। ओके चलो गाइस, हम लोग गेट के पास पहुंच चुके हैं, अभी आई थिंक वो भी हमारे पीछे आता ही होगा और यहाँ पे पहुंच चुका होगा। जल्दी से इसको बाहर निकालते हैं और अभी देखने जाते हैं आखिरकार गॉडज़िला कहाँ तक पहुंचा है। गाइस किंग कॉन्ग अपने शहर के सेंटर पे पहुंच चुका है, बस अभी गॉडज़िला को मेरे को सेंटर पे लाना पड़ेगा और दोनों की फाइट हो जाएगी काफी जबरदस्त। तो गाइस किंग कॉन्ग भी अपनी सिटी के सेंटर पे पहुंच रहा है हमारे पीछे पीछे आके। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल ये दोनों आपस में मिल चुके हैं और अभी होने वाली है जबरदस्त इनकी फाइट, और अभी दोनों भाई गुस्से में लग रहे हैं एक दूसरे को देख के। भाई साहब किंग कॉन्ग अपनी सिटी को बचाएगा गॉडज़िला से, अभी देखते आखिरकार कौन जीतता है इन दोनों में से। अभी इन दोनों की बहुत खतरनाक वाली फाइट होने वाली है।